हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 करेंगे। चैप्टर नंबर 13, द लॉन्गेस्ट स्टेप, पेज नंबर 104। थ्री फ्रेंड्स, अ रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ डियर वेयर प्लेइंग टुगेदर इन अ पार्क। थ्री फ्रेंड है जिनका नाम जो है रैबिट, एलिफेंट एंड डियर, वो तीनों मिलके गार्डन में खेल रहे हैं, पार्क में। ओके, लेट्स सी हु क्रॉस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट। यहाँ पे देखो एक स्टोन का ब्रिज दिया गया है, तो ये डियर बोलते हैं कि चलो देखते हैं कौन सबसे पहले ये ब्रिज पार करता है। एलिफेंट बोलता है, बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली। तो कि तुम दोनों तो फास्ट दौड़ते हो लेकिन मैं तो स्लोली चलता हूँ। आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट, आई डोंट वेट वॉन्ट टू प्ले द गेम। तो एलिफेंट बोलता है कि मुझे पता है तुम दोनों में से कोई एक सबसे पहले ब्रिज पार करके जीत जाएगा, और मैं इसलिए मैं ये गेम नहीं खेलता। तो रैबिट बोलता है, सबसे पहले रैबिट बोलता है, डोंट वरी, लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन, वी विल वॉक। तो रैबिट बोलता है, चलो हम एक रूल बनाते हैं कि हम लोग दौड़ेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ चल के पार करेंगे ब्रिज। तो रैबिट बोलता है, यस इट विल बी फन। तो नेक्स्ट पेज है, दे स्टार्टेड द गेम। तो वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वन। तो सरप्राइज था कि एंड में जीता कौन, एलिफेंट। तो क्वेश्चन है, कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वन। क्या बता सकते हैं कि एलिफेंट कैसे जीता। तो ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी लिखना है। ओके, तो कैसे लिखोगे मैं आपको बता दूँ। आपको सबसे पहले नोटबुक में मार्जिन में चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर लिखना है, द लॉन्गेस्ट स्टेप। फिर क्वेश्चन लिखना है, कैन यू टेल व्हाई द एलिफेंट वन। तो मैंने इस नोटबुक में लिखा है लेकिन आप मैथ्स के नोटबुक में लिखोगे। तो क्यों जीता एलिफेंट, द एलिफेंट, द एलिफेंट लुक बिग स्टेप विल वॉकिंग सो द एलिफेंट। तो एलिफेंट है उसने बिग स्टेप लिया जिसकी वजह से वो ये गेम जीत गया। सेकेंड क्वेश्चन है, हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप, किसने सबसे बड़ा स्टेप लिया। ये भी नोटबुक में लिखना है, हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। तो सबसे बड़ा स्टेप किसने लिया, तो आंसर है द एलिफेंट टेक्स द बिगेस्ट स्टेप। किसने लिया, एलिफेंट ने लिया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ये मैथ्स की नोटबुक में लिखने हैं। ओके, एक्ट आउट दिस स्टोरी, इस स्टोरी को एक्ट करना है। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आई सिट हियर, आई विल फाइंड आउट हाउ फेयर माई फ्रेंड इज सिटिंग। तो ये देखो, ये बॉय यहाँ पे बैठा है और इसका फ्रेंड यहाँ पे दूसरी बेंच पे बैठा है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका फ्रेंड इससे कितने स्टेप दूर बैठा हुआ है। ओके, मेक अ ग्रुप थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री फोर फ्रेंड्स, फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइंस हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट। तो अभी आपको थ्री और फोर फ्रेंड्स का ग्रुप बनाना है और एक लाइन बनानी है, और फिर देखना है कि सबसे बड़ा स्टेप किसका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दोनों के बीच कितना अंतर है। ए, द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास। तो अभी आपको आपके क्लास के जो डोर है और विंडो, उन दोनों के बीच का अंतर मापना है। और बी, द ब्लैकबोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग, ब्लैक बोर्ड से लेके आप जहाँ तक बैठते हैं उसका अंतर मापना है। तो आप अंतर लंबाई या अंतर मापने के लिए आप कैसे, किस तरह से मापोगे, तो मैं आपको बताती हूँ। हम यहाँ पे फिंगर का यूज़ कर सकते हैं, स्पैन का यूज़ कर सकते हैं, हैंड स्पैन का यूज़, आर्म का यूज़ कर सकते हैं, फुट का यूज़ कर सकते हैं और स्टेप का यूज़ कर सकते हैं।
तो अभी आपको ये नोटबुक में लिखना है जो मैं दिखा रही हूँ वो। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेंटीमीटर। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? किलोमीटर। और सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर्स। इन शॉर्ट फॉर्म सेंटीमीटर इज राइट एज cm, मीटर्स इज राइट एज m, एंड किलोमीटर इज राइट एज km। तो देखो, हम सेंटीमीटर को cm लिख सकते हैं, मीटर को हम m लिख सकते हैं, और किलोमीटर को हम कैसे लिखेंगे? km। तो ये जो इतना है वो आपको नोटबुक में लिखना है, ओके? ये जो मैंने आपको बताया ना, इतना। आज की वीडियो में इतना, और जो मैंने आपको नोटबुक में लिखने को बोला है वो आपको लिख देना है, ओके, होमवर्क में। थैंक यू स्टूडेंट।